हेलो दोस्तों दोस्तों जिन कैंडिडेट्स ने रेलवे जेई का फॉर्म भरा है उनके सीबीटी वन के सिलेबस में एक टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसी तरह जिन्होंने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा है उनके भी सीबीटी वन में एक सेम टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। तो फ्रेंड कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने एनटीपीसी तथा जेई दोनों का फॉर्म भरा होगा, तो आज हम एक ही वीडियो में दोनों एग्ज़ाम का एक टॉपिक कवर कर लेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिन्हें कवर करने के लिए आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी, करंट जीके भी पढ़ना पड़ेगा, पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। तो इतनी मेहनत आप मत करो, मैंने ये मेहनत कर ली है, आप केवल वीडियो को देख लो। इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो नया आपको सीखने को मिल ही जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल डे एंड डेट से। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स हैं जो ज़्यादातर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 5 जून को आपको पता ही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। उसके बाद में देखो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, इसी तरह 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 2 से 8 अक्टूबर वाला वीक अपने इंडिया का नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक रहता है। तो ये ज़रा ध्यान रखना, 2 से 8 अक्टूबर नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक रहता है, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, और एक डे और है 2 दिसंबर, इस दिन क्या हुआ था, भोपाल गैस कांड हुआ। तो ये भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो क्या हुआ कि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आधी रात को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस मतलब MIC गैस के रिसाव होने से हजारों लोग मर गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने मरने वालों का ऑफिशियल आंकड़ा 3,787 जारी किया, लेकिन इसमें कम से कम 10,000 लोगों को मृत्यु हुई थी। हम एक स्ट्रेटजी बनाते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे जिससे अपना टॉपिक पूरा अच्छे से अच्छे कवर हो जाए। तो सबसे पहले आप ये इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल डे याद कर लो। अब हम करंट जीके के कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट्स है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। तो EPI मतलब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें कुछ मुद्दों को शामिल किया जाता है जैसे वायु की गुणवत्ता, जल की स्वच्छता, CO2 उत्सर्जन, वनों की कटाई, अपशिष्ट जल उपचार आदि। इनके आधार पर 5 जून 2018 को EPI की रेटिंग जारी की गई। इस रेटिंग में भारत 180 देशों की सूची में 177वें स्थान पर रहा। जब ये सूची 2016 में निकाली गई तब भारत 141वें स्थान पे था, तो अभी 177वें स्थान पे पहुंच गया है। इस सूची को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने तैयार किया। इस सूची में फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड तथा लास्ट स्थान पे मतलब 180वें स्थान पर बुरुंडी रहा। इस रिपोर्ट में भारत के संबंध में ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो को पॉज करके ज़रा ये आंकड़े पढ़ लेना। इस रिपोर्ट में भारत को वायु की गुणवत्ता में 100 में से केवल 5.75 ही अंक मिले, बताओ। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में जिनकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेज, ऋतुओं के शेड्यूल में चेंजेज, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, वायु एवं जल का प्रदूषित होना आदि है। इस लिस्ट में मैंने 5-6 एनवायरमेंटल इश्यूज रखे हैं जिनका हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला इश्यू है पोल्यूशन या प्रदूषण। प्रदूषण में हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण देखेंगे। इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में हम उन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा इश्यू है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा है एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। चौथा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। पांचवा है ओशियन एसिडिफिकेशन और छठा है क्लाइमेट चेंज। तो इन सब इश्यूज़ का हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला इश्यू लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हम चार गैसें इसके लिए जो उत्तरदायी होती हैं, पहली है कार्बन डाइऑक्साइड 60%, दूसरा है मीथेन 20%, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और चौथी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड 6%। इनका आप नाम और इसका जो परसेंटेज दिया है वो याद कर लेना। ये सब ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं।
एग्जाम में कैसे भी तोड़ मरोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बन सकता है, जैसे निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से तीन गैसें इनमें से देंगे तथा एक गैस कोई इन चारों के अलावा दे देंगे। इसी तरह ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। आपको इन गैसों का नाम तथा परसेंटेज याद कर लेना है। ये चारों गैस अपने वातावरण में उपस्थित होती है तथा ये गैस सूर्य से आने वाली लॉन्ग वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को पास करके पृथ्वी पर आने देती है। इंफ्रारेड पृथ्वी पर आने से इन इंफ्रारेड रेडिएशन के कुछ भाग को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है तथा कुछ भाग को रिफ्लेक्ट करती है। जिस भाग को रिफ्लेक्ट करती है उनका वेवलेंथ कम होता है। ये कम वेवलेंथ वाली वेव वापस ऊपर जाती हैं। अब वातावरण में उपस्थित CO2, मीथेन, CFC गैसें इन्हें वापस धरती पर भेज देती हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब ये वेव पृथ्वी तथा ग्रीन हाउस गैसों के बीच में फंस जाती है। इससे क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल का वार्म होना या गर्म होना। तो ग्लोबल वार्मिंग से पिछले 30 सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। अब ग्लोबल वार्मिंग से एनवायरनमेंट पर होने वाले इफेक्ट क्या हैं वो देखते हैं। तो इससे एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंजेज आएगा, जैसे अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट क्या है आपको मैं बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। प्रशांत महासागर में टेम्परेचर बढ़ने से समुद्र की सतह गर्म हो जाती है। इसके कारण मानसून पवने हैं जो उनके रास्ता तथा रफ्तार में कमी आ जाती है। मतलब ये मानसून को बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे क्या होगा, कहीं पे भारी वर्षा होगी और कहीं पे वर्षा ही नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। इसे ही अपन अल नीनो इफेक्ट कहते हैं। जहाँ पे भारी वर्षा होगी वहाँ पे बाढ़ आएगी और जहाँ पे वर्षा नहीं होगी वहाँ सूखा पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने इस साल मतलब 2019 में अल नीनो का अनुमान 70% जताया है। तो देखते हैं क्या होता है इस बार। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्लाइमेट चेंजेज, ध्रुवों की बर्फ का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना आदि है। नेक्स्ट है एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। दोस्तों दो अम्ल है, पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये दोनों अम्ल बारिश के जल के साथ मिलके बारिश के समय अर्थ पे आते हैं, तो इस H2SO4 तथा HNO3 युक्त बारिश को अम्ल वर्षा कहते हैं। अब बताते हैं एटमॉस्फेयर में ये दोनों अम्ल कैसे बनते हैं। दोस्तों दो चीज़ों का ध्यान रखना। नंबर 1 है, जब भी हम फॉसाइल फ्यूल जलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, इन्हें फॉसाइल फ्यूल कहते हैं। जब भी हम इनको जलाते हैं तो इनको जलाने से CO2 तथा SO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी तरह यदि इनको हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं तो CO2 तथा SO2 के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 भी बनता है। जैसे ऑटोमोबाइल के इंजन में जब हम फ्यूल हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं तो फ्यूल के साथ हवा भी होती है और इस हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, और यही नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO2 बना लेता है। तो जब ये SO2 तथा NO2 एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वहाँ SO2 एटमॉस्फेयर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नमी से रिएक्शन करके H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, और नाइट्रो NO2 भी H2O से रिएक्शन करके HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। ये दोनों एसिड जल के साथ मिल जाते हैं तथा बारिश के दौरान अर्थ पे आ जाते हैं। नॉर्मली बारिश के जल का pH 6 होता है, जब ये दोनों एसिड मिलते हैं तो pH का मान घट के 3 हो जाता है। तो दोस्तों pH 6 से pH 3 का होना मतलब एसिडिटी में 1000 गुना की बढ़ोतरी है, क्योंकि pH 6 से जो वेरिएशन pH 5 में होगा इससे 10 गुना एसिडिटी बढ़ेगी। इस तरह pH 5 से जब pH 4 होगा तो 10 × 10 100 टाइम्स एसिडिटी बढ़ जाएगी। इस तरह pH 6 से pH 3 होना मतलब 1000 टाइम एसिडिटी बढ़ जाती है। अब देखते हैं एसिड रेन के इफेक्ट। तो एसिड रेन से पहला इफेक्ट होगा, जो इमारतें हैं, घर हैं उनकी तथा मार्बल है, इनको ये एसिड रेन क्षति पहुंचाती है। दूसरा है एसिड रेन से पौधों की गति रुक जाती है तथा फसल की पैदावार भी घट जाती है। तीसरा है सॉइल को अफेक्ट करती है, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको कम कर देती है। अब दोस्तों नेक्स्ट
जो इश्यू लेते हैं एनवायरमेंटल इश्यू, वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो दोस्तों पूरा टॉपिक पार्ट 2 में कंप्लीट होगा, जिसमें हम क्योटो प्रोटोकॉल, पिछले एग्जाम के क्वेश्चन तथा इंपॉर्टेंट करंट एनवायरमेंटल इश्यूज आदि देखेंगे। तो आप पार्ट 2 जरूर देखना, और हाँ वीडियो को लाइक करके बंद करना। और पार्ट 2 में जल्दी ला रहा हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।